माँ किचन कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माँ किचन कॉर्नर। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कच्चे कीमे के कटलेट्स से। वो बहुत ही इजीली अच्छे से तैयार हो जाते हैं। ये रेसिपी मेरी मम्मी से मैंने सीखी है। वो बहुत शौक से बनाती थी और हम सब लोग बहुत शौक से उसको खाते थे। इसके लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है 250 ग्राम्स। उसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था और उसका पूरा पानी ड्रेन कर लिया था। साथ में हम लेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। ये मैं इसमें ऐड कर लूंगी। साथ में लेंगे धनिया है, फ्रेश हरा धनिया है, अराउंड 3 टेबलस्पून हरा धनिया है। और मैंने 4 हरी मिर्चें ली है बारीक वाली, वो भी ऐड कर लेंगे। आप मिर्चें कम या ज्यादा कर सकते हो। इसको हम अदरक लहसुन और धनिया मिर्ची के साथ मैरिनेट करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक रख लेंगे ताकि कीमे के अंदर ये बहुत अच्छे से इसकी खुशबू बैठ जाए। और फिर इसके बाद हम इसका आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। इसको मैं ढक के 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ। ब्रेड की स्लाइसेस लेंगे जिसके मैंने साइड्स रिमूव कर लिए हैं, 3 ब्रेड स्लाइस होगी। साथ में 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर है। ये हमारी 15 से 20 मिनट हो गई है, मैंने कीमे को मैरिनेट किया था। अभी हम क्या करेंगे, ये ब्रेड स्लाइसेस से 3 ब्रेड स्लाइस, इसको मैं फूड प्रोसेसर में डाल के इसके ब्रेड क्रम्स बना लूंगी। ये ब्रेड स्लाइसेस को मैंने पीस लिया है, बहुत ही अच्छी तरह से ये ब्रेड क्रम्स बन गए इसके। फिर इसके साथ मैं इसी में ये कीमा ऐड कर दूंगी। साथ में ये जो मैंने ड्राई मसाले लिए थे सारे स्पाइसेस मैं ऐड कर दूंगी। और इसको मैं अभी ग्राइंड कर लेती हूँ और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अभी ये हम इसके कटलेट्स बना लेंगे। इसको बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो हम इस तरह से एक बॉल साइज ले लेंगे और सारे पहले इस तरह से सारे बॉल्स बना लेंगे, फिर उसके कटलेट्स बना लेंगे। तो सारे जो है वो एक साइज के हमारे कटलेट्स रेडी होंगे। अब हम इसको बोर्ड पे थोड़ा सा हम ब्रेड क्रम्स वो लगा के बहुत ज्यादा भी ब्रेड क्रम्स नहीं लगाना है तो जिसकी वजह से फिर वो जो है जो कटलेट्स है वो ड्राई हो जाते हैं। और अगर लग जाते हैं ज्यादा तो हम बाद में उसको डस्ट करके उसको रिमूव कर लेंगे। और इस तरह से हाथ से फैला के हम इसके कटलेट्स बना लेंगे। ये एक रेडी हो गया है। मैं आपको बताती हूँ इसकी थिकनेस इस तरह से होगा, बहुत पतला भी नहीं करना नहीं तो वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा मीडियम रखेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो जिस ट्रे में हमें रखना है सारे बना के एक साथ रख लेंगे तो उसमें थोड़ा सा मैं ब्रेड क्रम्स डाल दूंगी और उसके साथ मैं ये इस पे रख दूंगी। अब हम इसी तरह से दूसरा भी रेडी कर लेंगे। तरह से सारे रेडी कर लेंगे। ये भी रेडी हो गया है और मेरे इससे 250 ग्राम्स में कम से कम 5 रेडी होंगे। तो मैं इस तरह से सारे कबाब जो है कटलेट्स है वो बना के रेडी कर लेती हूँ। सारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे। अभी कटलेट्स को हम अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे। तो मैं इसमें सबसे पहले मैं ऑयल डाल रही हूँ। इतना ऑयल डालेंगे कि ये हमारे कटलेट्स उसमें डिप हो जाए। तो मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म होता है तब तक मैं आपको बताऊं, ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसको बीट कर लेंगे।
इसके साथ में मैं डाल दूंगी उसके अंदर हरा धनिया, नमक, थोड़ा सा नमक, और साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून पानी। पानी ऐड करने से हम जो अंडे में उसको डिप करके फ्राई करेंगे तो अंडे की एक जाली सी बनेगी, तो वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ भाई हमारा अंडा रेडी हो गया है और मैं एक एक कटलेट्स को उसमें फ्राई कर लूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। अच्छा, अब कटलेट को फ्राई करने के लिए हम एक फ्लैट सी प्लेट लेंगे, उस पर मैं थोड़ा सा इस तरह से अंडा डाल दूंगी और साथ में मैं इस पे ये कटलेट रख दूंगी और इस तरह से अंडा लगा देंगे इस पे। इससे क्या होता है कि जो हम जो सीधा इस पे हम उस पे इस प्लेट से डायरेक्ट उस पे कटलेट्स को फ्राई पैन में स्लिप कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसको अंडे में डिप करेंगे और उठाने जाएंगे तो ये कटलेट टूट सकता है। अब ये इजीली इस पे हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे और इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हम स्लोली फ्राई करेंगे और फिर मैं इसकी साइड टर्न करूंगी। ये एक तरफ से फ्राई हो चुका है तो मैं इसको टर्न करूंगी। तकरीबन 2 मिनट इस तरह से लगते हैं फ्राई होने में और उसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल ही लो कर दी है और इस पे तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट लगी दोनों साइड फ्राई होने के लिए और ये पीछे की तरफ से भी बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इस तरह से सारे कटलेट्स रेडी कर लेंगे। ये हमारे सारे कटलेट्स फ्राई हो चुके हैं, अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। हमारे कटलेट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत ही यमी है, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपकी फैमिली को। आप जरूर इसको ट्राई करना और इस बात का ख्याल रखना है कि हमें बहुत ही ज्यादा थिक नहीं बनाने हैं, बहुत ही ज्यादा थिन भी नहीं बनाने और स्लो पे हमें इसको फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, तो बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो जाते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे कमेंट करना और मुझे बताना कि आपको और आपकी फैमिली को कैसा लगा। और अगर आपकी कोई फरमाइश है, अगर आपको कुछ मुझसे सीखना है तो आप जरूर मुझे उसकी फरमाइश करना। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ आपसे न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। Thank you.